काफ लीग ने डेप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाल करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अपील में हमजा शहबाज और डेप्टी स्पीकर को फरीक बनाया गया। डेप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मुतनाज़ा हो चुके हैं, मौकफ अदालत सिंगल बेंच का फैसला कलदम करार दे इस्तदा। गुज़श्ता रोज़ हाईकोर्ट ने डेप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाल करने का हुक्म दिया था। ऐवानों में तब्दीली के बाद तरक्याती इदारों के कामों में भी तब्दीली आ गई। खैबान फिरदौसी रिमॉडलिंग मनसूबे में PC1 को नज़रअंदाज कर दिया गया। जोहर टाउन खैबान फिरदौसी रिमॉडलिंग मनसूबे का फेज़ 2 बंद कर दिया गया। LDA के शोबा इंजीनियरिंग ने खैबान फिरदौसी को सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना दिया। रावन रोड से शौक चौक तक एक भी पेडिस्ट्रियन पुल ना बनाया गया। पैदल चलने वालों के लिए रास्ता ना होने से लोगों को गुजरने में मुश्किल। ब्रायलर की कीमत में इजाफे का रुझान बरकरार। मुर्गी का गोश्त 12 रुपये महंगा, कीमत 357 रुपये फी किलो। फार्मी अंडों की कीमत 134 रुपये दर्जन पर बरकरार। सरकारी रेट लिस्ट में मजीद 6 सब्जियां महंगी, प्याज 60, टमाटर 150, लहसुन 380, अदरक 230 रुपये फी किलो फिरो। शादमान रमजान बाजार में सस्ती अशिया का हसूल आवाम के लिए दर्द सर बन गया। प्याज 2 किलो, टमाटर 1 किलो, आलू 2 किलो दिए जाने लगे। शहरी अशिया के हसूल के लिए कतारों में लगने पर मजबूर। भर्ती के बरक्स ड्यूटी देने वाले अफसरान की शामत आ गई। महकमे स्कूल्स ने डेपुटेशन पर तैनात ऑफिसर्स का रिकॉर्ड मांग लिया। डेपुटेशन पर मौजूद ऑफिसर्स का रिकॉर्ड 22 अप्रैल तक हर सूरत फराहम किया जाए। मरासला हुकूमत खत्म होते ही असातजा ने तबादलों के लिए दरख्वास्तें दे दी। मुकर्रा तारीख तक 26,000 असातजा ने तबादलों के लिए दरख्वास्त दी। प्राचीन असातजा ने 16,000 के करीब दरख्वास्तें जमा करवा दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बल्दियाती इलेक्शन में वोट का हक ना देने के खिलाफ दरख्वास्त। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब जाती हैसियत में तलब। जस्टिस शुजात अली ने रिमार्क्स दिए कि अहम नोयत का मामला है मगर कोई संजीदा नहीं, क्यों ना अदालत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को तलब करे। बुकिंग के बावजूद गाड़ियां ना देने वाली कंपनी के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने कार शोरूम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने शहरी मोहम्मद आरिक की दरख्वास्त पर समाप्त की। और शहर का मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं।